दीदी क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? क्या सोच रही है? यही कि बच्चों के इम्तिहान है, इनका ध्यान उसी में होना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं। ईशाना की पढ़ाई अब बहुत जरूरी हो गई है, अब बड़ी कक्षा में आ गई है ये। मम्मी सिर्फ क्लास टेस्ट ही तो है, मैं पढ़ लूंगी पक्का। बट आप मना मत करो ना, मेरी फ्रेंड है ना पूजा, उसके मम्मी पापा ने भी अपनी एनिवर्सरी ऐसे ही सेलिब्रेट की थी, बहुत मजा आया था। मम्मा प्लीज 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 आप शादी करिए ना पापा के साथ प्लीज। तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला मंगल? क्या तुमसे शादी करना मेरी सबसे बड़ी सजा है? मंगल बिल्कुल सही कह रही है, इस वक्त बच्चों के एग्जाम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सब मुझे बहुत बचकाना लगता है। ओके, ना आपकी ना हमारी, एक काम करते हैं। भाभी अपनी अंगूठी दीजिए। क्या क्यों? अरे दीजिए तो। लीजिए भैया, अब आपका फैसला माता रानी के हाथों में। भाभी के एक हाथ में अंगूठी और एक में नहीं, आप जिस भी हाथ को चूज करेंगे वो आपका फाइनल फैसला होगा। अब अगर रिंग वाली मुट्ठी खुली तो 7 वचन होंगे, नहीं तो जैसा आप कहेंगे वही। ओके प्लीज कार्तिक ये सब। पापा अब तो मान जाइए। हाँ पापा चूज करिए ना। गायत्री एक बात कहें, जब से शादी हुई है ना कार्तिक समझदार हो गया है, खुश रहने लगा है, नजर उतार देना उसकी, और हाँ साथ में लक्ष्मी की भी नजर उतार देना, हमें तो लगता है ये लक्ष्मी का ही असर है। ऐसा कुछ नहीं है जीजी। नहीं वैसे कार्तिक तो पहले से ही समझदार है, ऐसा ही और हसमुख भी। चलो पापा अब तो चूज करो जल्दी करो करो। पहले निशाना। खोलिए ना। हाँ मम्मी जल्दी खोलो। अरे भाभी सस्पेंस खत्म करिए प्लीज। लगता है माता रानी भी यही चाहती है। हाँ भाई और हम सब भी यही चाहते हैं। अरे मंगल ये क्या आंखों में आंसू? भाई शादी होने जा रही है तुम्हारी, विदाई नहीं। हमारे ख्याल से तो अब 20 दिन ही रह गए हैं, अब इतने कम समय में वर्षगांठ की तैयारियां कैसे करेंगे? अरे जीजी 20 दिन बहुत है, वैसे भी कार्तिक और लक्ष्मी की शादी हमने 3 दिन में करवा दी थी, सब अरेंज हो जाएगा डोंट वरी। अम्मा फिजूल खर्चा क्यों करना है? बेटा इसे फिजूल खर्च नहीं कहते, यही तो इंसान की असली कमाई होती है, पैसे नहीं रिश्तों को संजोले मजबूत करे और वही उसकी जमा पूंजी होती है।
बिल्कुल सही कहा आपने। तो दूल्हे राजा तैयार हो जाओ, ये शादी तो होकर रहेगी। हाँ भाई, आप लोग को जो ठीक लगे आप लोग तय कर लीजिए। पिछली बार भी इस दूल्हे से कहाँ कुछ पूछा गया था, जो इस बार पूछा जा रहा है। दीदी रुको, लक्ष्मी तुम्हारी शादी में तुम्हारी बहन ने बहुत काम किया था, अब तुम्हारी बारी है। सब कुछ बहुत प्यार से अरेंज करना तुम, हुँ? संगीत, मेहंदी, हल्दी, सारे फंक्शंस होंगे। वाह, संगीत होगा, मेहंदी होगी, ढेर सारी सेलिब्रेशंस होगी। आपने कह दिया ना, तो सब कुछ धूमधाम से ही होगा। दीदी क्यों इतनी चुप सी है, ऐसा तो कभी नहीं दिखी। जीजू और उनके बीच सब ठीक नहीं लग रहा। अदिति, अदिति। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मंगल, ये क्या नया ड्रामा है तुम्हारा? जितना कोशिश करता हूँ कि तुमसे दूर रहूं, उतना ही तुम सामने आकर खड़ी हो जाती हो। एक बार जेल भेजकर तुम्हें तसल्ली नहीं हुई, जो मेरे गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई ताकि तुम्हें कुछ हो जाए और पुलिस मुझे अंदर कर दे, जेल में बंद कर दे। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप गुस्से में जा रहे थे इसलिए रोका। वो कहने के लिए आप शादी, मेरा मतलब है कि आप शादी के वचन नहीं लेना चाहते तो मत लीजिएगा। लक्ष्मी और तमाची तो बस ऐसे ही कह रहे थे। वाह, वहां तुम्हारी बहन अपना दांव चल रही है, अब तुम यहां आकर ये कह रही हो। फंस गया तो ठीक है, वरना अंदर जाकर कह देना कि अजय जी मना कर रहे थे ताकि अम्मा से थप्पड़ डांट मैं खाऊं। नहीं नहीं, अम्मा से मैं मना कर दूंगी, मैं कह दूंगी कि मैं नहीं चाहती, आपका नाम नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है मंगल, इतनी अकल होती ना तुम्हें तो फिर बातें क्या थी। खैर, समझदार होती ना तो बहुत पहले ही अपनी गलती मान लेती, 15 साल ये शादी खींचती नहीं। अब हटो सामने से। गुस्सा था आदित्य, मंगल हमारे बेटे को जितना ज्यादा हम जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। वो हमारा बेटा है, तुमने हमें कुछ नहीं बताया मंगल, लेकिन आदित्य ने हमें सब कुछ बता दिया जो तुम दोनों के बीच हुआ था। तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी होगी हम समझ सकते हैं मंगल, हमने आदित्य को डांटा भी। तुम परेशान मत हो, हम है ना, हम देखेंगे कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ कैसे ठीक हो सकता है, इसीलिए हमने दोबारा शादी की बात उठाई। तुम परेशान मत हो, अब सब कुछ हम पर छोड़ दो। अम्मा आपका साथ पाकर नया हौसला मिला है, अब मैं हर चुनौती का सामना कर पाऊंगी।